कुछ नया करें. तो ही इज डन अ फैबुलस जॉब इन दिस मूवी और लोगों को बहुत पसंद आएगा आएगा उनका काम. अगर बस 18 की बात करें एंटरटेनमेंट साइड है जी, और इस तरीके से एंटरटेनमेंट साइट्स और भी आ रही है उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो हर सुबह एंटरटेनमेंट साइट्स में हमेशा लॉग ऑन करती हूँ जस्ट क्योंकि मुझे ये मालूम करना है कि न्यूज़ में क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ में क्या हो रहा है. बहुत बहुत पसंद है ये मालूम करना. बस 18 के साथ मुझे काम करने में बहुत खुशी हुई है, बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप रहा उनके साथ. सो आई लव एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स. आजकल तो इंटरनेट तो सब हर एक इंसान की ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा हो गया है कि उसके बिना आप जी नहीं सकते. आप ये जो एंटरटेनमेंट साइट्स हैं उनमें इनकी जो खबरें रहती हैं उनमें आपको लगता है कि गॉसिप्स जो रहती हैं वो सच में रियल गॉसिप्स रहती हैं या बनावटी रहती हैं? मुझे नहीं पता, आप बताइए, आप मीडिया वाले बताइए, क्योंकि मुझे तो ऑफकोर्स पता नहीं है कितना सच है कितना नहीं है. लेकिन ये तो हमेशा ही होता है जब एंटरटेनमेंट में कुछ कुछ सही होता है कुछ गलत होता है. तो मुझे नहीं पता क्योंकि आई एम नॉट द वन, लेकिन आप लोग बता सकते हैं. क्या हुआ अगर मैं आपकी तरह नहीं अपनी तरह कुछ करना चाहता हूँ? क्या हुआ अगर मैं एक आम इंसान लेकिन नहीं कर मैं आपकी तरह नहीं अपनी तरह कुछ करना चाहता हूँ? मैं वो बनना चाहता हूँ जो मैं कुछ चाहता हूँ. मुझे जब लगा नहीं गया कि आपने मेरे लिए कुछ किया रहते जम कर मुझे ऐसा करना चाहता हूँ जिसे आपको मुझे गर्व. Thank you.